हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ रुचि। टुडे माय टॉपिक इज़ कोविड-19। तो देखिए, कोविड-19 वर्ड है, इस पे कोविड-19 जो टॉपिक है इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे आप जीके के पेपर में एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती हो उसमें आपका ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो देखिए, कोविड-19 वर्ड अगर हम पढ़ें तो कोविड को वर्ड को ब्रेक कीजिए, COVID-19। तो CO मीन्स क्या होता है? कोरोना। कोरोना कोरोना नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर है, जब इसको माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की गई तो कोरोना की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई दी? बिल्कुल क्राउन जैसी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कोरोना। VI मीन्स वायरस। वायरस आप सब जानते हैं, लेकिन वायरस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊं कि वायरस क्या है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग कैसे हैं? अगर ये किसी लिविंग के संपर्क में आते हैं तो ये हो जाते हैं एक्टिव, लेकिन जब तक ये किसी नॉन लिविंग के संपर्क में है तब तक ये कैसे रहेंगे? इनएक्टिव। ये बने किससे होते हैं? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। इसमें केवल डीएनए ही होगा और या फिर केवल आरएनए ही होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। डी से क्या है? डिजीज़। तो इसका मतलब कोविड क्या है? एक डिजीज़। कोविड जो वर्ड है वो डिजीज़ है, लेकिन होती किससे है? ये वायरस से। 19 क्यों दिया गया इसका नाम? क्योंकि ये 2019 में ये सबसे पहले है वुहान सिटी ऑफ चाइना में, नवंबर में इसको रिपोर्ट किया गया था, इसका फर्स्ट केस, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कोविड-19। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका? वायरस। वायरस में आपको ये ब्लू कलर की जो दिखाई दे रहे हैं ये है इसकी प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और इसके अंदर जो येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? डीएनए या आरएनए। लेकिन कोरोना के केस में ये क्या है? बट ग्रुप ऑफ आरएनए। तो कोरोना में क्या मिलते हैं? आरएनए, नॉट डीएनए। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कोविड क्या है? कोविड में VI क्या है, CO क्या है, D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या 19 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 19 लिखकर वो ये भी लिख सकते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन में कि 19 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर है या कोई वायरस का स्ट्रेन है, इस तरह। तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस टॉपिक, इस लाइन में से केवल यही बनेंगे कि CO क्या है, VI क्या है, D क्या है या 19 क्या है। आई होप चारों पॉइंट आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब है इसका टाइप। तो टाइप क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? ऐसी डिजीज जो स्प्रेड हो बाय टचिंग से, शेकिंग हैंड से, या किसी कॉन्टेक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये डिजीज़ हो जाती है। तो ये किससे हो रही है? टचिंग से, शेकिंग हैंड से, या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वस्तु को छू लें उसी से अगर कोरोना हो जाए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो वस्तु या कोई कोई चीज़ है वो कैसी है? इन्फेक्टेड है, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति ने उसको छुआ है, और वो अगर आप छू लेते हैं तो आपको कोरोना, कोविड-19 डिजीज़ है वो हो जाएगी। ये वायरस आपको अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह शेकिंग हैंड, नॉर्मल वर्सन से शेकिंग हैंड करें तो ये डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन बट वो व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है और अगर आप इन्फेक्टेड व्यक्ति से हाथ मिला लेते हो तो ये डिजीज़ आपको हो जाएगी। इसी तरह इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स क्या हैं इसके? हाई फीवर, यानी इसमें 103 से लेकर 105 डिग्री तक बुखार हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये बुखार हो इसमें, क्योंकि इस टाइम पर कोरोना के कुछ ऐसे केसेस भी मिल रहे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उसमें कोई फीवर नहीं हो रहा है, या उनके पेन इन नेक, ड्राई कफ, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियो तभी ला पाएंगे। और आपको अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो देखने हो, IUPAC है, मोल कंसेप्ट है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वायरस एक्टिव होकर अपने सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम 7 to 14 डेज है। इन 14 डेज में कोरोना वायरस अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है और अपने जैसे कई सारे क्लोन बना लेता है। कोरोना वायरस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज है। अगर आप यदि इन्फेक्टेड हो जाते हो कोरोना वायरस से तो आपको 14 डेज तक घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है और आपको आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि इन 14 डेज में कोरोना वायरस अपने सिम्टम्स, आपको जो भी कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होंगे वो आपकी बॉडी में अपीयर हो जाएंगे। ट्रीटमेंट अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ एंटीवायरल, इस तरह वायरल डिजीज़ होती है इनको हम कोई एंटीवायरल ड्रग्स देकर इसका इलाज करते हैं,
इसी तरह से कुछ एंटी मलेरियल ड्रग है, उससे भी इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट फाउंड नहीं है। कई सारी दवाइयाँ हैं जो इस डिजीज़ में पी जा रही है, या कोई सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स के बेस पर ड्रग देकर उसको पेशेंट को ठीक किया जा रहा है। वैक्सीनेशन भी अभी तक इसका अभी तक फाउंड नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई वैक्सीन आएगा मैं आपके लिए इस पर एक नया वीडियो अपलोड करूँगी वैक्सीनेशन के बारे में, इसका वैक्सीन कैसे बना और ये सारा टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।